हेलो क्लास 11। आज एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है? वो है पीरियडिक फंक्शंस। ठीक, तो उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये यदि आपको समझ आ गया तो इसके बाद हम जितने भी टी फंक्शंस हैं हमारे पास 6, यानी कि उन सबके ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। ओके, तो देखिए पीरियडिक फंक्शंस क्या होते हैं। ए फंक्शन इज पीरियडिक इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एफ एक्स प्लस टी टी यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर प्लस का ही, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स और फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए। अब देखो एक फंक्शन पीरियडिक कब है, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि यहाँ पर कोई एक नंबर टी ऐसा है कि जिसको मैं एक्स में सभी एक्स, कोई भी एक्स हो, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स में ऐड करूँ, ठीक है, तो उस एफ एक्स पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, यानी कोई फंक्शन पर फर्क ना पड़े। देखो एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर ही आ गया, यदि एक्स में मैंने यहाँ पे एक टी लगाया, ठीक है, कोई एक रियल नंबर ऐड किया, इस प्रकार ऐड किया कि फंक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एफ एक्स ही आ गया। ओके, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, पीरियडिक फंक्शन। ओके, और यहाँ पर जो टी है वो उसका पीरियड कहलाएगा, पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। और ये जो भी पीरियड होता है ये कम से कम वैल्यू वाला होता है, कम से कम वैल्यू उस पीरियड की, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ। इट मींस जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एफ एक्स साइन एक्स लिया, ठीक है, एक्स की जगह यदि मैंने एक्स प्लस टू पाई कर दिया तो आपको पता है कि टू पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है, तो मैंने अगर एक्स प्लस टू पाई किया प्लस ये, तो एफ एक्स यानी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी साइन एफ एक्स प्लस टू पाई और एफ एक्स दोनों की वैल्यू सेम आई, कोई फर्क नहीं है, एफ एक्स भी साइन एक्स है और एक्स में मैंने ये टू पाई ऐड कर दिया तब भी साइन एक्स आया, दोनों सेम आ गए। इट मींस यहाँ पर जो ये चीज है वो क्या हो गई, टी टी इज द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। अब टी यहाँ पर इसका क्या मिल गया आपको, फंडामेंटल पीरियड ये मिल गया, और वो क्या मिला, टू पाई, क्या मिला, टू पाई, कि साइन एक्स में यदि मैं टू पाई ऐड कर दूं तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरह अब भाई ये भी तो हो सकता है कि एक्स की जगह भाई मैं फोर पाई पुट कर दूं, तो भाई फोर पाई है तो आपको तो ये पता ही है कि टू एन पाई प्लस एक्स भाई एक्स ही होता है, साइन एक्स, ठीक है, तो वो चाहे आपका फोर पाई हो, सिक्स पाई हो, टेन पाई हो, कितने भी हो, साइन एक्स ही आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर टी फोर पाई हुआ, तो यानी टी एक तो आ रहा है टू पाई, टी मतलब पीरियड, एक टू पाई है, टू पाई पे भी नो चेंज और फोर पाई पे भी नो चेंज, इसी तरह सिक्स पाई पे भी नो चेंज, लेकिन इन सब में जो मिनिमम वैल्यू है वो है टू पाई, तो जो मिनिमम वैल्यू होती है वही फंडामेंटल पीरियड होता है, ठीक है। तो साइन एक्स के लिए हमारे पास जो पीरियडिक वैल्यू है वो क्या है, टू पाई। ओके, इसी तरह कॉस के लिए, कॉस टू पाई प्लस एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का पीरियड भी क्या आ गया, टू पाई, मिनिमम पीरियड, ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू दैट इज फंडामेंटल पीरियड। ओके, तो अब देखिए इसमें मैंने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वो लिखा हुआ है कि यदि टी इज पीरियड ऑफ एनी फंक्शन, टी यदि किसी फंक्शन का पीरियड है, वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन का है टू पाई, ठीक है, देन ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, उसका जो आपका ग्राफ बनेगा उस फंक्शन का वो हमेशा रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, आफ्टर द इंटरवल टी, जो टी आपका गैप है, जैसे इसमें टी आया टू पाई पीरियड, टू पाई आया तो टू पाई के बाद वो पीरियड, सॉरी टू पाई के बाद वो ग्राफ आपका रिपीट होता जाएगा, ठीक
ठीक है, यानी कि फंक्शन अनअल्टर्ड रहे, बिल्कुल चेंज ना हो। यदि एक्स में मैं कुछ ऐड कर दूं तो फंक्शन मुझे वापस वही मिल जाए, वो पीरियडिक होगा, लेकिन जो ऐड करूं, ठीक है, वो आपकी मिनिमम वैल्यू हो टी की। मिनिमम मतलब जैसे कि भाई साइन 2 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स है, साइन 4 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स है, साइन 6 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स है, लेकिन इन सब में मिनिमम क्या है, 2 पाई। ओके, तो टी एक ऐसी वैल्यू है एक्स में, यदि मैं उसको ऐड करूं तो उससे एफ एक्स पे कोई फर्क ना पड़े, और जब ग्राफ बने, ठीक है, तो उस इंटरवल पे वो ग्राफ ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, ये चीज हम ग्राफ बनाएंगे उसमें भी देखेंगे। तो देखिएगा कि मैंने यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है, ये अभी हम बिल्कुल बॉक्स बना के पूरे तरीके से बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। साइन का ग्राफ बेटा ऐसे मिलेगा आपको जब अभी मैं बनाऊंगी तो साइन के ग्राफ में 0 से लेकर 2 पाई तक देखो ये शेप मिली है ये, ठीक है, ये आपका पूरा एक पीरियड है, ये 2 पाई तक पूरा पीरियड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये है, अब यही चीज आपकी ये यहाँ तक है, ये इतनी, अब यही चीज देखो 2 पाई से 4 पाई, वो ग्राफ पीरियड के अकॉर्डिंग 2 पाई तक जितना पीरियड है सेम रिपीट होता जाएगा, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, ये देखो, ठीक है, तो वो पीरियड क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा 2 पाई का पीरियड। अब जैसे सपोज करो आपने 0 से 2 पाई ये पीरियड लिया, अब हो सकता है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, ये भी 2 पाई है, ये देखो पाई से 2 पाई एक और 2 पाई से 3 पाई एक, दो बार पाई हो गया, ये 2 पाई का पीरियड है। अब इसमें जितना ये रिपीट है उतना ही अगले में भी आएगा, तो आप कहीं से भी ले लो ये 2 पाई पे सेम ग्राफ दिखाएगा, ठीक है, ऐसे फंक्शंस होते हैं पीरियडिक फंक्शंस। ओके, तो ये पीरियडिक फंक्शन है। आप देखिए टाइप्स ऑफ पीरियडिक फंक्शन में एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने दो फंक्शन लिखे हुए हैं। एलजेब्रिक में कांस्टेंट फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन डेफिनेशन पढ़ा चुकी हूँ, ये दोनों आपके पीरियडिक है। देखो अब कांस्टेंट ये हो गया एफ एक्स बराबर के, यानी वाई की वैल्यू कोई भी एक कांस्टेंट है यहाँ पर ये चीज। अब x की वैल्यू तो डिफरेंट कुछ भी पुट कर लो, y की क्या है फिक्स है, तो यहाँ पे ना कोई पीरियड नहीं है कि भाई ग्राफ की पोजीशन चेंज हो रही है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मिनिमम फंडामेंटल वैल्यू नहीं बता सकते पीरियड की। ओके, तो कांस्टेंट फंक्शन में जो पीरियड है वो उसका कोई वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है, यानी कि इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है जिसको मैं फंडामेंटल पीरियड कह सकूं। जैसे इसमें 2 पाई मिनिमम वैल्यू थी तो वो उसका फंडामेंटल पीरियड आ गया, ठीक है, इसका पीरियड कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है बिकॉज ये कांस्टेंट है, बट ये पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है। आप देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन मैंने एफ एक्स बराबर ये बताया था एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स, ठीक है, इसकी जो क्या बोलते हैं रेंज है वो आपकी बनता की थी, ठीक, 0 से 1, तो 1 ओपन, 0 से 1 ओपन, ये ठीक है, ये मैं डेफिनेशन लिखवा चुकी हूँ। इसमें भी देखो जो ग्राफ है वो देखो रिपीट हो रहा है, ये देखो, ओके, तो ये ग्राफ कब कब रिपीट हो रहा है, 1 के गैप पे, ये देखो 1 1 1 सेम आ रहा है 0 से 1, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, रिपीटेड ग्राफ, तो इसका पीरियड क्या है, 1 के गैप पे रिपीट है, ये सारा 1 1 का गैप है, तो इसका पीरियड क्या है 1, ओके, इसका फिक्स पीरियड है 1, ओके, तो ये अलजेब्रिक है। खैर हम तो क्या पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये आपके 6 के 6 है, इनमें फंक्शन जो पीरियडिक है वो कब कब होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है मैंने यहाँ लिखी हुई है,
पावर ऑफ एक्स शुड बी वन, जो भी अपर एंगल आप लगाओगे उसमें एक्स की पावर वन ही होनी चाहिए, ठीक है, पीरियडिक होने के लिए। और एक्स इज ऑलवेज ऑपरेटेड बाय टी फंक्शन, एक्स जो ऑपरेट होगा वो टी फंक्शंस के थ्रू ही होगा, तभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि साइन रूट एक्स है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि पीरियडिक होने के लिए क्या कंडीशन कंपलसरी है, एक्स की पावर वन होनी चाहिए, पर एक्स की पावर क्या है हाफ, तो इसका कोई पीरियड नहीं है, ये पीरियडिक फंक्शन नहीं है, ये भी एक्स की पावर दो है, ये भी पीरियडिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स और यहाँ साइन है। अब यहाँ पर मैंने सेकंड कंडीशन क्या लिखी है, एक्स को हमेशा टी फंक्शन ऑपरेट करे, लेकिन यहाँ पर एक्स को कौन सा फंक्शन ऑपरेट कर रहा है, इनवर्स टी फंक्शन, ओके, तो ये भी पीरियडिक नहीं है। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स ये पीरियडिक है, क्योंकि साइन की पावर भी वन है, ठीक है, और साइन की पावर कह रही सॉरी एक्स की पावर भी वन है, और इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, साइन ऑपरेट कर रहा है, ठीक, क्योंकि ये दो कंडीशन कंपलसरी है पीरियडिक होने के लिए, तो साइन स्क्वायर एक्स पीरियडिक फंक्शन है। साइन ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्म जितने भी हैं वो सारे क्या है, पीरियडिक फंक्शन है। जैसे मैं कहूँ कि साइन टू एक्स प्लस थ्री, तो ये क्या है, पीरियडिक, एक्स की पावर वन है, ओके, और इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, साइन, ठीक, तो ये पीरियडिक फंक्शन है। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि जो पीरियड है वो टी फंक्शन का कितना कितना है, तो देखिए साइन कॉस और सेक और कॉसेक इन सब का पीरियड है 2π, ठीक है, और जबकि टैन और कॉट का पीरियड है 5। साइन कॉस कॉसेक और सेक, ठीक है, इन चारों का ये 2π पीरियड है, और टैन और कॉट का इनका पीरियड है पाई पीरियड, ठीक है। तो मैं जब इनका वो निकालूंगी, मतलब ग्राफ बनाऊंगी, तो इसका 2π इंटरवल पे रिपीट होगा और टेन कॉट का पाई इंटरवल पे रिपीट होगा, ठीक है। अभी आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कॉस कॉसेक और सेक के, ठीक है, इन चारों टी फंक्शंस का जो पीरियड है वो 2π है और कॉट और टेन का पाई है। अब देखो यदि एक्स की जगह कोई फंक्शन इस फॉर्म का हो ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो उसका पीरियड क्या होगा, टी अपॉन ए। फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास जैसे कि साइन 4x प्लस 5 इस फॉर्म का फंक्शन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी कोई भी फंक्शन इस फॉर्म का है, तो मुझे यदि इसका पीरियड बताना है तो मैं क्या लिखूंगी कि साइन किसके साइन का जो पीरियड है वो कितना है, 2π। तो पहले मैं उसके ऊपर पीरियड लिखूंगी और फिर जो x का कोफिशियंट है उससे डिवाइड कर दूंगी, और प्लस जो कॉन्स्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। तो यदि इस फॉर्म का है कोई भी फंक्शन तो इस ये भी पीरियडिक होगा, किसके साथ, विद पीरियड टी, टी जो भी फंक्शन का पीरियड होगा वो अपॉन में ए, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स और लिखे हुए मैंने यहाँ पर, देखो पीरियड ऑफ साइन 4x, तो साइन का पीरियड क्या है, 2π t, पीरियड लिख दिया और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो पीरियड ऑफ साइन 4x क्या आ गया, 5 होगी, ओके। इसी तरह पीरियड ऑफ कॉस 8x, 8x कॉस x का क्या होता है, 2π, और 8x का कोफिशिएंट, तो क्या आ गया, 5/4। इसी तरीके से ये 2π कॉस का पीरियड, x का कोफिशिएंट t, 2π/3। 10 का पीरियड कितना होता है, पाई,
टाइम पीरियडिक फंक्शन विद पाई है, ये पाई और ये अपॉन में फाइव, ठीक है। कोई भी पीरियडिक फंक्शन है जितने भी आपके टी, ठीक है, वो जिसके साथ पीरियडिक है वो, और अपॉन में एक्स का कोफिशियंट, ठीक है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स और सेक, ये चारों पीरियडिक फंक्शन है विद पीरियड, इनका पीरियड क्या है टू पाई और अपॉन में एक्स का कोफिशियंट, मॉड ए। ओके, इसी तरीके से टेन और कॉट का पीरियड क्या होगा पाई अपॉन ए, ठीक। तो हम पीरियड बता सकते हैं इनका भी यदि किसी के साथ एक्स का मल्टीप्लाई है, ओके, वो है टी अपॉन ए, मॉड ए। मॉड ए मतलब ए की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम बनाते हैं सारे टी फंक्शंस का ग्राफ बनाना है हमें, लेकिन पहले अभी केवल एक ग्राफ बना रही हूँ मैं यहाँ पर, वो है साइन एक्स का, ठीक है। यदि आपको ये अच्छे से बनाना आ गया तो आप सारे टी फंक्शंस के ग्राफ अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप ये बनाते हो वैल्यूज का ग्राफ, एक्स की वैल्यूज एंट्री करते जाते हो और वाई की मिलती जाती है। तो हमें पता है कि साइन एक्स इज पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड टू पाई, तो मैंने वो इंटरवल टू पाई तक ही लिया हुआ है एक्स की वैल्यू। तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई मतलब एफ एक्स, साइन एक्स का हम ग्राफ बना रहे हैं जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर टू पाई कंप्लीट एक इंटरवल है, और इसी इंटरवल के थ्रू ग्राफ क्या होगा रिपीट होगा बिकॉज इट इज पीरियडिक फंक्शन, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू मैंने 30-30 डिग्री के गैप में ले ली, 0, 30, 60, 90, ठीक है 360 तक, डिग्री के अलावा मैंने रेडियन में भी लिख दी है ये वैल्यूज, ठीक है। 0, 30 डिग्री, पाई बाय 6, ये पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 5, पाई बाय 6, पाई 7, ये सारी मैंने पाई की फॉर्म में भी लिख दी, ठीक है। और नहीं तो आपको एक चीज बताती हूँ, देखो ये पाई बाय 6 है 30 डिग्री, ठीक है। अब आप एक एक गैप यदि छोड़ते हो ना, तो देखो ये 1 पाई बाय 6, ठीक, ये आपका 3 पाई बाय 6, एक छोड़ो 5 पाई बाय 6, ऑड ऑड लगाते जाओ, 1, 3, 5, 7 और ये 9, चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 9, 9 के बाद 11, ठीक। अब देखो आप ऑटोमेटिकली ये मैंने किया 1, 3, 5, 7, 9, 11 और नंबर लगा दिए पाई बाई 6 के आगे, ये देखो ये कैंसिल होके आ गया पाई बाई 2, ये 5 बाई 6 था 7 पाई बाई 6, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये 11 पाई बाई 6। तो ये पाई की देखो फटाफट बदली, मैंने एक पता था एक गैप छोड़ के ये आ गई, क्योंकि सारे 30 के मल्टीपल है, ये एक एक छोड़कर जितने भी लिखे सारे क्या है 30 के मल्टीपल, पाई बाई 6 के मल्टीपल है, तो क्लियर हो गई बात। अब बात आती है इनकी, तो ये देखो ये पाई बाई 3 है पहला, ठीक, और ये सारे 60 के मल्टीपल है, खैर जो 60 का है वो 30 का भी है, वैसे बता रही हूँ आपको, ये 30 की टेबल के अकॉर्डिंग है 60 के अकॉर्डिंग, तो 60 के अकॉर्डिंग देखो पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, ओके। तो ये कैंसिल होके 5, ये 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 और ये कैंसिल होके 2, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पाई में भी लिख सकते हो, बस एक पाई बाई 6 पकड़ लो, फिर एक एक छोड़ के आगे ऑड नंबर लगा दो और फिर पाई बाई 3 ले लो और उसके आगे 1, 2, 3 नेचुरल लगा दो, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, अब बात आती है, ये तो हो गई डिग्री रेडियन की डायरेक्ट इंटरचेंज करने की ट्रिक बता दी। अब देखो बात आती है, जो एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वाई की क्या मिलेगी, ठीक। तो सबसे पहली बात, साइन 0 से 90 तक कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट,
और 90 के बाद यहाँ तक कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। इसके बाद यहाँ तक थर्ड और इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट आ गए। देखो 0, 90, π, 3π/2 और वापस आए 2π। चारों हो गए। तो अब देखो पहले क्वाड्रेंट में साइन 0, 0, साइन 30 हाफ मतलब 0.5, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दिया 0.87। ठीक है, और साइन 91 वैल्यू लिख दी 90 तक। आपको पता है साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 120 डिग्री, ठीक है, तो ये वैल्यू रिपीट होती है। आपको पता है वैल्यू निकालना आपने सीख ली है। साइन 120 यानी कि 180 - 60, तो साइन 60 यानी 0.87। ओके, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, वैल्यूज निकालना हमने सीख ली है, तो आप वैल्यू खुद निकालना पाओगे। ठीक है, इसमें तो मैंने लिख दी है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव, तो देखो सारी वैल्यूज निगेटिव है, वैल्यूज वही रहती हैं, बस साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। ओके, ये देखो माइनस की। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव, ये देखो माइनस में। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मतलब 2π, π और 0, एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 0, साइन 0, 0, साइन पाई 0, साइन 2π 0, पढ़ चुके हो ये। ठीक है, और वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू +1 और -1, 90 पे +1 और 270 पे -1। तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। आपको पता है साइन की जो रेंज है वो -1 से लेकर +1 तक है, रेंज मतलब y की वैल्यू। और आप देखो वैल्यू निकाली है इसमें भी, लोएस्ट वैल्यू -1 और highest 1। तो क्लियर है साइन की रेंज -1 to 1 है। ठीक है, वैल्यूज निकालने से भी क्लियर हो, वैसे भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वैल्यूज। अब देखिए ये सारी जब आप ये बना लो वैल्यूज का मतलब पूरा टेबल, तो अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए क्या करोगे भाई? एक्स एक्सिस साइन की डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज ऑल रियल्स, लेकिन हमने यहाँ पे क्या इंटरवल लिया है? 0 से 2π तक, और एक्स की वैल्यू 30-30 के गैप में ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए साइन 0, 0, साइन 0, 0 यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ। पाई में 6π/0.5, ये 0.5। ठीक है, और पाई बाई 3 पे 0.87, 87 मतलब 1 से नीचे। साइन 90 पे 1, 1 से ऊपर जाएगा नहीं, फिर अगेन 0.87। ठीक है, इसी के सामने फिर 0.5 और साइन पाई 0। ओके, तो ये आपका मैंने पाई तक का एक स्मूथ फ्री एंड स्मूथ कर्व बना दिया। ठीक है, अब इसके आगे चले, पाई के आगे 180 तक हो गया ना, 90 पे हाईएस्ट वैल्यू 1, जितना ही ऊपर गया उतना ही ये नीचे आ गया। देखो 0, 0.5, 0.87, 1, 1 तक गया, देखो इंक्रीज हो रही है वैल्यू और फिर वापस डिक्रीज हो गई, फिर 1 के बाद फिर डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब देखो इधर भी डिक्रीज है, ये देखो माइनस में आ गई ना, तो डिक्रीज ही है। अब देखो 210 पे वैल्यू माइनस के 0.5, ये क्या होगी? माइनस के 0.5, ये हाफ प्लस का और ये माइनस का, तो ये माइनस का, ये माइनस के 0.87 3π/2 पे 1, फिर माइनस का, फिर माइनस और ये वापस 2π। ये देखो, ठीक है, तो ये वैल्यूज हम रखेंगे
तो हमें ये फ्री एंड ये कर्व मिल गया। तो ऐसे ही हमने मैंने आपको पीरियडिक फंक्शन में भी बताया था कि आप जब बनाओगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपको शेप मिली है साइन की, यानी जो ग्राफ मिला है 2π इंटरवल 0 से 2π इंटरवल में, ठीक है, यही ग्राफ आपका रिपीट होगा, बिकॉज साइन क्या है, एक पीरियडिक फंक्शन है विद 2π। ओके, तो मैं इसको इधर करूं या इधर करूं, ये 2π के लिए ही रिपीट होगा। इधर यदि मैं माइनस में निकालती हूँ ये वैल्यूज 2π/3 माइनस माइनस 5π/6 माइनस पाई और -7π/6 -4π/3 -3π/2 -5π/3 11π/6 -2π, ये सारी माइनस की वैल्यू है। तो ये आपकी ऐसे जाएंगी वैल्यूज 3π/2 पे कर दो, यहाँ तक 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका ग्राफ। ओके, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, खुद ही नहीं जाएगा, आप वैल्यूज भी निकालो तो आपको ये शेप मिल जाएगी, क्योंकि पीरियडिक है, तो जो शेप आपको उधर मिली है वही इधर भी मिलेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि 0 से π और π से 2π, तो 2π तक ये इंटरवल है। यदि मैं ये सपोज करो ये पाई है, ये 2π, 3π और ये 4π, तो 0 से आपका ये, आपने देखा कि क्या शेप मिली आपको, ये मिली 0 से 2π तक की शेप क्या मिली, ये देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके बता रही हूँ, 2π। ठीक है, 2π इंटरवल ये मिला। तो अगला मैं जब इंटरवल बनाऊंगी तो वो भी मुझे क्या मिलेगा, इस शेप का। ठीक है, इसी तरीके से मैं और भी 5π और 6π अगेन बनाऊंगी, फिर वो यही मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो ये शेप है वो आपकी कंटिन्यूअस रिपीट होती जाएगी। तो साइन एक्स पीरियडिक फंक्शन है विद पीरियड 2π। यदि आपने 2π तक का बना लिया तो बस अब आप आगे रिपीट एक फ्री एंड स्मूथ कर्व बना सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से जैसे मैंने 0 से 2π बनाया, ये निगेटिव डायरेक्शन में बनाओगे तो ये सारी वैल्यूज निगेटिव फिर पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी। अब देखिए कॉस एक्स का ग्राफ, तो कॉस 0 0, ठीक है, सॉरी कॉस 0 1, तो 1 से स्टार्ट होगा आपका ग्राफ। ठीक है, उसके बाद आप जैसे जैसे वैल्यूज पुट करते जाओगे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, 90 पे क्या आ जाएगी, 0। फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव ऊपर ही आ रही है, वाई के पॉजिटिव में ही आ रही है। फिर सेकेंड और थर्ड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू डिक्रीज होती गई। कहाँ तक डिक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा -1 तक, क्योंकि हमें मालूम है कॉस की रेंज -1 से लेकर +1 तक है, 1 के ऊपर नहीं जाएगी, -1 के नीचे नहीं आएगी। उसके बाद आओगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर से वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी बट रहेगी निगेटिव। ठीक है, थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, फोर्थ में फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो 2π पे वैल्यू 1, ये। ठीक है, तो ये जो आपका स्मूथ फ्री एंड जो कर्व मिला है, इसी को मैं आगे और बढ़ाती जाऊं, यही शेप। ठीक है, तो रिपीट होती जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स पीरियडिक फंक्शन है विद पीरियड 2π। तो इस तरीके से जैसे इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसी तरह एक्स की वैल्यू यदि मैं निगेटिव लूं तो भी ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है सारे पीरियडिक फंक्शन। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ये जो ग्राफ्स हैं सारे बॉक्स बना के पहले वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद आप एक 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 ग्राफ बनाओगे जैसे मैंने साइन एक्स का बनाया। ठीक
ठीक है। अब देखिए 10x, 10x में आपको मालूम है कि 10 0 0, ठीक। और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 10 45 है, आपको मालूम है वैल्यू 45 मतलब 5/4, 5/4 पे वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। उसके बाद वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो 90 पे क्या होती है, नॉट डिफाइन, तो आप ऐसे छोड़ दोगे फ्री, ठीक है। 90 पे नॉट डिफाइन, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अब आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव। तो माइनस इंफिनिटी से, माइनस पे आओगे तो माइनस इंफिनिटी से ये आपकी माइनस की वैल्यू आती जाएगी फिर 0, ओके। अब मैं इधर आती हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप देखो ये नेगेटिव, ये आपका ये जो कर्व है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ब्रेक आ गया 90 पे, फिर 90 के आगे थोड़ा जस्ट आगे जैसे ही आप चलोगे आपको वैल्यू नीचे से ऊपर इंक्रीज होती हुई मिल जाएंगी, लेकिन ये वैल्यूज आपकी क्या होंगी, नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 180 तक 10 क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव, और आपका इस पे 270 पे फिर से नॉट डिफाइंड, तो ये फ्री छोड़ देंगे। तो पाई बाई टू, 3π/2, 5π/2, इन सब पे क्या है, नॉट डिफाइन। तो ये जो कर्व हमने देखा, ये मैंने नेगेटिव की साइड भी लिया हुआ है, तो देखा कि ये जो शेप है ये रिपीट हो रहा है, जो ग्राफ बार बार वो विद पीरियड पाई के साथ रिपीट हो रहा है। ये देखिए ये पाई बाई टू से 3π/2 तक हो गई ना पाई डिस्टेंस, पूरी लेंथ कितनी है पाई लेंथ, पीरियड क्या है, लेंथ है क्योंकि फिक्स है। इसमें देखो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये आपका पाई बाई टू पाई बाई टू, टोटल लेंथ पाई। तो कहीं से भी देखो आप पाई की जो लेंथ है, कहीं से भी आप उठा लो पाई लेंथ, पाई की जो लेंथ है वो शेप, इट मीन्स वो ग्राफ रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको बनाने है। अच्छा, 10 कॉट का रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, फिर थर्ड में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसमें 10 0 सॉरी cot 0 पे नॉट डिफाइन है, तो देखो नॉट डिफाइन से शुरू हुई वैल्यू डिक्रीज होके पाई पे ये आ गई, ठीक है, यहाँ पे नॉट डिफाइन। फिर तो ये वाला भी इंटरवल पाई इंटरवल पे रिपीट हो रहा है ग्राफ, तो ग्राफ यदि जिस इंटरवल पे रिपीट होता है वो इंटरवल क्या होता है, पीरियड, ठीक है, उस फंक्शन का। इसी तरीके से सेक का है, सेक की रेंज आपको मालूम है ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1, तो सारे रियल नंबर हो सकती है रेंज, ठीक है, वाई से लेकर वाई डैश तक सारे नंबर, बट ये इंटरवल नहीं होगा -1 से 1 के बीच, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो अब आप ये वैल्यू पुट करोगे सेट की, तो आपको सेट 0 क्या होता है, 0, फिर ये वैल्यू बढ़ती मिल जाएगी, और सेट 90 पे नॉट डिफाइन, ठीक है। इसी तरीके से अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे फिर नेगेटिव, थर्ड में आओगे नेगेटिव, ठीक, फोर्थ में आओगे फिर पॉजिटिव। तो आप ये देखना, और फिर ये आया और ये आया, तो ये जो मैं डार्क कर रही हूँ जो पोर्शन, ये और ये कंप्लीटली 2π है, ये फिर ये, तो यहाँ से यहाँ तक जो 2π का ग्राफ है वही ग्राफ बार बार रिपीट होता जाएगा। और यदि इस लेंथ को मैं यहाँ से यहाँ तक कंसीडर ना करूँ कि भाई मैंने यहाँ से यहाँ तक 2π लेंथ कंसीडर की है, तो ये रिपीट होता जाएगा ग्राफ। तो यदि आप सपोज करो यहाँ से देखना चाहते हो, तो देखो -π/2 से π/2 तक 1π, ठीक है, और फिर ये 1π हो गई 2π लेंथ, ये पाई लेंथ है पूरी 90 90 पाई, और ये भी 90 90 पाई, तो ये
और ये लेंथ, यानी कि ये जो यू शेप है आपके, ठीक है, ये क्या होते जाएंगे, रिपीट, जैसे इसमें ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें ये पैराबोला शेप है वो रिपीट हो जाएगी। इसमें ऐसे लग रहा है जैसे दाग स्नैक जा रहे हो आपके, तो उस टाइप से ये रिपीट होते जाएंगे, ठीक है, विद इंटरवल 2π, तो यानी पीरियड इनका क्या है 2π, ठीक है। इसी तरीके से सेम कोसेक में जीरो से पाई ये, और पाई से 2π ये, तो इसके भी देखो ये पाई लेंथ और पाई लेंथ 2π लेंथ रिपीट हो रही है, तो इधर करूंगी ये, फिर एक नीचे, एक यू ऊपर एक यू नीचे, ठीक है। और आपको जो ये शेप मैंने बनाई है, आप प्रॉपर एक्स की वैल्यूज लेके बॉक्स बनाओगे और फिर ड्रॉ करोगे तो आपको यही शेप्स मिलेंगी। ये सारे ग्राफ आपको फेयर नोटबुक में बनाने हैं, ठीक है, विद पॉइंट्स लेके, एक्स की वैल्यूज लेके, फिर वाई निकाल के, जैसे मैंने साइड का बनाया है एज इट इज, बाकी के ये पांच भी आपको बनाने हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे पीरियडिक फंक्शन के ग्राफ हो गए, तो कुछ मैंने और एक्स्ट्रा यहाँ पे पीरियडिक फंक्शंस के पीरियड्स लिखे हुए हैं, ये हम पढ़ चुके थे, ये पहला वाला पॉइंट, तीन का पीरियड 2π है और इनका पीरियड 2π है, इनका पीरियड पाई है, ठीक है। अब देखो यदि इन पर पावर आ जाए, कोई भी पावर n है, तो आप सुनो इस पे पावर सब पे n है, n यदि साइन कॉस कोसेक सेट की पावर n इवन है तो ये पीरियडिक होंगे विद पाई। ये पीरियडिक फंक्शन तो है पता है, लेकिन जब यदि पावर फॉर्म में आ जाए और पावर यदि इवन है तो ये विद पीरियड पाई होगा, इनका पीरियड क्या होगा पाई। और यदि साइन कॉस कोसेक सेट में एन पावर यदि ऑड नंबर में है, ठीक है, तो पीरियडिक मतलब सॉरी तो उनका पीरियड यानी इंटरवल जो मिनिमम फंडामेंटल पीरियड है वो क्या होगा 2π होगा, ठीक है, इवन पे पाई और ऑड पे 2π, ठीक है। इवन पे पाई इसलिए होगा कि भाई साइन स्क्वायर एक्स है तो माइनस वैल्यू भी किसमें हो जाएगी प्लस में, तो जो आपका ग्राफ है वो ऊपर ऊपर ही बनेगा ना, तो ये पाई पाई का रिपीटेशन दिखाएगा, ठीक है, तो इसलिए इवन है तो पाई, ऑड है तो 2π, ठीक। इसी तरीके से देखो मॉड है, यदि मॉड लग जाए तो जो वैल्यू है वाई जो मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, माइनस के नंबर भी किसमें हो जाएंगे प्लस में, ठीक है, इसलिए इन सब का ही पीरियड यदि मॉड लग जाए तो सारे पीरियडिक फंक्शंस का पीरियड क्या होगा पाई होगा, ओके। इसी तरीके से यदि पावर एन है और फिर मॉड लगा दूं, ठीक है, तो सबका पीरियड क्या होगा फंडामेंटल पीरियड पाई होगा, फिर चाहे एन इवन हो या ऑड, ओके। तो ये आपका एक्स्ट्रा कुछ मतलब फंक्शंस है वो मैंने आपको बताए हैं। अब जैसे आपको आपने पढ़ा कि भाई ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म के जो आपके थे वो आपके क्या थे, साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, सॉरी कोसेक ए एक्स प्लस बी, सेक ए एक्स प्लस बी, ठीक है, टेन ए एक्स प्लस बी और कॉट ए एक्स प्लस बी, तो इनका पीरियड आपने क्या बताया, पढ़ा भी मैंने बताया था टी अपॉन ए, जो आपकी इस फॉर्म के जितने भी टी फंक्शंस हैं उनका पीरियड मैंने क्या बताया था टी अपॉन मोड ए, ये अभी भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका टेन और कॉट का पीरियड पाई होता है, एक्स का कोफिशियंट ए, तो वो अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह इनके इनका क्या है 2π पीरियड टी अपॉन में ए, ओके। तो ये आपका फिफ्थ टाइप हो गया। सिक्स टाइप में देखो यदि इन सब पर पावर एन लगा दूं, ठीक है, पावर क्या लगा दूं एन, तो आपका यही रूल रहेगा एज इट इज,
बस अपॉन में ए आ जाएगा। जैसे देखो साइन एन ए एक्स प्लस बी कॉस एन ए एक्स प्लस बी कोसेक एन ए एक्स प्लस बी सेक एन एक्स प्लस बी और कॉट और टेन, ये कॉट और ये टेन, ठीक है। इनका भी यही सीन है। जो पावर एन वाला रूल अभी आपने क्या पढ़ा कि यदि एन आपका इवन है तो पाई है और एन यदि ऑड है तो पीरियड टू पाई है, बट यदि एक्स का कोफिशिएंट ए है तो अपॉन में बस ए आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है और इसमें क्या है पीरियड पाई, यदि एन चाहे इवन हो चाहे ऑड हो बट इनटू ए एक्स के आगे तो अपॉन है, बस ये करना है। तो x की जगह यदि ax प्लस b है तो पीरियडिक यही है, बस अपॉन में क्या लगा देंगे a। इसी तरह इसमें ax प्लस b इसमें भी लगा दो या अपॉन a इसमें भी लगा दीजिए तो अपॉन a, ठीक है। सारा एज इट इज है, बस अपॉन a कर देना, ठीक। अच्छा तो ये तो आपका हो गया वही पीरियडिक विद फंक्शन दिस, फंक्शन विद द गिवन पीरियड्स, तो मैंने सारे लिख दिए। अब देखिए अभी आपने fx देखा विद पीरियड t, कोई भी फंक्शन है जिसका पीरियड t है, ठीक है, और यदि उसके आगे 2 यदि लग जाए तो भी फंक्शन क्या होगा विद पीरियड 2। फॉर एग्जांपल जैसे sin x का पीरियड है 2 पाई, यदि मैं 2 sin x कर दूं तब भी पीरियड क्या रहेगा 2 पाई, लेकिन यदि मैं यदि आप ऐसे भी कर देते हो जैसे कि a f x प्लस माइनस b, यहाँ पर कोई चलिए लिखा रहने दीजिए प्लस माइनस c, ठीक है, तो एक मल्टीप्लाई है एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तब भी क्या रहेगा पीरियड आपका t ही रहेगा। इट मींस यदि मैं 2 sin x प्लस 5 प्लस 10 कर दूं तब भी पीरियड क्या रहेगा 2 पाई, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इधर मैं कुछ ऐड कर दूं ऐड सबट्रैक्ट, इधर भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड सबट्रैक्ट कर दूं तब भी पीरियड 2 पाई रहेगा। हाँ यदि मैं ऐसे लिख दूं कि sin 4x प्लस 5, ठीक है, तब मैं क्या करूंगी इसका पीरियड 2 पाई, x का कोफिशिएंट 4 है अपॉन 4, ओके। तो बस x का कोफिशिएंट देखना है यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये पीरियडिक इसलिए बताए जाते हैं कि जब आप अपना जो भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आगे जो कोफिशिएंट ऐड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है सॉरी केवल उससे ग्राफ ऊपर नीचे हो जाता, ऊपर थोड़ा जंप कर जाता है, भाई 1 से ऊपर है 2, माइनस 1 नीचे है माइनस 2, ठीक है, ग्राफ थोड़ा जंप कर जाएगा, जो पीरियड है वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क कब कर पड़ता है कि ग्राफ इधर उधर जो मूव करता है वो फर्क पड़ता है जब जब एक्स का कोई कोफिशिएंट होता है, ठीक है, तो वो जो शिफ्ट करना या ऊपर नीचे करना ग्राफ का वो सब हम सिखाएंगे, लेकिन कब, जब आप पहले सारे टी फंक्शंस के ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है और ये जो मैंने जो भी बातें बताई है ये सारी आपको नोट करनी है, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।